आज हम परसेंटेज के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं जो पूरी तरह से परसेंटेज थ्योरी को, ठीक है, जो सब जो ये टॉपिक है इसको पूरी तरह से हिला देगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि राम स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25%। ओके, देन राम सेविंग विल बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट। चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। क्या बोला गया है कि राम जो है अपना इनकम का, यानी कि जितना वो आय करता है उसका क्या करता है, 65% जो है खर्च कर देता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1%। अगर क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि अगर राम का जो इनकम है क्या होता है 20.1% का इंक्रीमेंट हो जाता है एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25%, और क्या होता है उसका खर्च भी 25% बढ़ जाता है, तो राम का सेविंग में कितना प्रतिशत का इजाफा होगा, वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि जब भी कोई आदमी क्या करता है, इनकम करता है, क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति इनकम करता है तो क्या करेंगे हम लोग, तीन चीज़ इसमें आता है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा सेविंग होता है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि आप लोग कुछ जो है इनकम किए हैं, ठीक है, तो इनकम करने के बाद क्या करते हैं, तो उसको हम लोग कुछ खर्च करते हैं। ठीक है, जो हमें ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत का सामान खरीदते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। और क्या करते हैं, सभी पैसा तो हम लोग खर्च नहीं करते हैं, कुछ पैसा क्या करते हैं हम अपने सेविंग में रख देते हैं, ठीक है, बैंक में रख देते हैं या फिर घर में रख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेविंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही सब चीज़ हो रहा है। लेकिन देखिए बेसिक क्या है, बेसिक में जो है अगर हम लोग करेंगे तो क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको 100 मान के करते हैं। कितना करते हैं हम लोग, मानते हैं कि माना कि जो राम का जो सैलरी है, इनकम है, कितना है, 100 रुपया है। फिर क्या करेंगे, अगर 100 रुपया है तो 65% क्या कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है, फिर सेविंग निकालेंगे, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वैसे करना। ठीक है, और जब क्या होता है, जब पॉइंट में कोई क्वेश्चन आ जाता है, 20.1% में जब आ जाता है तो उसे निकालना और भी थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए जो है आज मैं वैदिक मैथ्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ जो पूरी तरह से रिवोल्यूशनरी है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन का यूज करेंगे, नंबर लाइन के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, वैदिक मैथ्स के इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बीच वाला जो टर्म होता है इसको क्या मानते हैं, इसको इनकम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। लेफ्ट साइड में क्या मानते हैं, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। ठीक है, ई एक्स भी लिख दी है, इसमें क्या मान लिया हम, सेविंग मान लिया। ठीक है, कोई भी पैसा वैसा अगर कारोबार होता है तो ये तीन चीज़ ही होता है, और कुछ होता है क्या, नहीं होता है। इनकम यानी कितना आप आय कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा कर रहे हो और कितना बचत कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो नंबर लाइन हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है, पहले पहले कितना कमाता था उसका बात हम लोग देखते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है राम स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 65% जो है क्या करता है, वो अपना इनकम में एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, यानी कि खर्चा करता है। तो मान लेते हैं कि इनकम कितना होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है, सभी को पता है। ठीक है, खर्चा कितना करता है, 65% करता है। ठीक है, अगर 100 में से 65 खर्चा करता है तो बचेगा कितना, सेविंग कितना करता है, वो 35% करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये जो परसेंटेज वैल्यू है इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को जो है रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में। तो देखिए ये दोनों किस में कट रहा है, 5 से कट रहा है। ठीक है, तो 5 7 जा 35 और 5 13 65। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम जो है इसको इनवर्स रेसिप्रोकल वैल्यू में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे इधर साइड 7 हो गया, देखिए सेविंग के टर्म के ऊपर में कितना है, 7 है रेशियो में, और एक्सपेंडिचर में कितना है, 13 है। अब क्या हो जाएगा, अब जब हम लोग इसमें नीचे आएंगे तो इस नंबर लाइन में क्या हो जाएगा, नंबर लाइन में ये 13 नीचे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसके नीचे में सॉरी ये जो 13 है, 13 किधर आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 7 है वो कहाँ चला जाएगा, वो इन्वर्स रेसिप्रोकल बोला जा रहा है। ठीक है, इन्वर्स में क्या हो जाता है, तो उसके इधर दूसरी तरफ आ जाता है, तो 7 इधर साइड आ जाएगा।
यानी कि यहाँ से एक्सपेंडिचर से इनकम के बीच डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 7 रेशियो को दिखा रहा है। उसी प्रकार से इनकम से सेविंग के बीच जो डिस्टेंस है ये कितना दिखा रहा है, ये मुझे 13 दिखा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए क्या होता है, अब पूछता है कि अगर उसका इनकम में कितना होता है, 20.1% का क्या होता है, इजाफा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, और क्या होता है उसका एक्सपेंडिचर में 25% बढ़ जाता है, तो उसका इन सेविंग में क्या वृद्धि होगी। तो क्या करेंगे हम, फिर से एक नीचे में क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींचते हैं। बीच वाला क्या होता है, इनकम होता है, इधर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इधर क्या होता है, सेविंग। तो इसलिए मैं दोबारा इसको नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्या बोलता है, इसका जो इनकम है 20.1% बढ़ जा रहा है, तो यानी कि 20.1% जो है क्या हो रहा है, वो वृद्धि हो रहा है। वृद्धि को हम लोग ऊपर के साइन दिखाते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर है, तो ये 25% का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच सेविंग तो हमको निकालना है ना, सेविंग निकालना है कितना प्रतिशत की इंक्रीमेंट हुआ, ये तो बोला है ना, तो ये निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये 25% है एक्सपेंडिचर, इनकम क्या है 20.1 है, तो इन दोनों के बीच गेप कितना हो रहा है, तो इन दोनों के बीच गेप हो रहा है मेरा 4.9% के बीच गेप हो रहा है। गेप मतलब दोनों को घटा दीजिए, गेप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमको निकालना है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एवरेज जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, जो बीच का जो टर्म होता है वो क्या होता है, ये हम लोग का दोनों के एवरेज होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। एवरेज का मतलब ये नहीं होगा कि मतलब इन दोनों का डिवाइड बाई टू कर देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर एक संख्या, ठीक है, जब हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे तो एलिगेशन में आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक नंबर है, ठीक है, ये क्या है, ये अगर मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, वाई हो गया, और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ मान लेते हैं जेड हो गया, ठीक है। तो जेड क्या है, जेड जो है क्या हो जाएगा, ये एक्स से छोटा होगा, सॉरी एक्स से बड़ा होगा, और वाई से क्या होगा, वाई से छोटा होगा, यानी कि एक संख्या से छोटा बड़ा होगा और एक संख्या से बड़ा होगा, ठीक है, छोटा बड़ा इस प्रकार से होता है। तो ये भी उसी प्रकार से बात करता है, तो क्या होगा, ये भी एलिगेशन के मेथड में अप्लाई होगा, यानी कि 25% जो है और ये 20% है, ठीक है, यानी कि ये बीच वाला है, ये क्या है, ये ऊपर वाला है, तो यानी कि ये देखिए बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया इससे, तो यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा, वो 20.1 से कम ही होगा, ठीक है, 20.1 से वो कम होगा। बात क्लियर हो गया, एलिगेशन मेथड से ये अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बोले हम बोले कि अगर पहला, ठीक है, अगर दूसरा से क्या हो जाएगा, ये जो एलिगेशन मेथड के अनुसार अगर देखा जाए तो बीच वाला जो टर्म है ये एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे ये छोटा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ जो भी आएगा इससे बड़ा होगा। अब करेंगे कैसे, तो देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा 7 डिस्टेंस है, एक्सपेंडिचर से इनकम के बीच डिस्टेंस कितना था, 7 है, और 7 का वैल्यू कितना है, 7 का वैल्यू मेरा निकला है 4.9। तो बताइए कितना गुना हो रहा है, ये 7 और 4.9 कितना गुना हो रहा है, तो ये हो रहा है 0.7 गुना हो रहा है, ठीक है, इंटू 0.7। तो क्या करेंगे, यहाँ भी जो आएगा इन दोनों के बीच भी जो परसेंटेज डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, वो भी 13 का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना गुना होगा, 0.7, तो यहाँ भी 0.07 गुना होगा, तो 13 × 0.7 कितना होता है, 9.1% हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है हम आपको पहले बोल दिए थे कि जो बीच वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, एक से छोटा होगा तो एक से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से अगर इसको बड़ा करना है तो क्या करेंगे, 9.1 और 20.1 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से कितना हो जाएगा, 20.1 और 9.1 माइनस करने से 11% हो जाएगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। यानी कि अब क्या होता है, अब इस केस में राम का जो सेविंग होगा वो कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो वो मेरा बढ़ जाएगा 11% बढ़ा है। बात क्लियर, ये है इसका रिवर्सलरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, वैदिक मैथ्स का, ठीक है, धन्यवाद।